इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। पहली खबर रायबरेली से, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत पर पिता ने गांव के ही युवक पर पिटाई करने का आरोप लगा दिया। ये थाना शिवगढ़ क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां के रहने वाले युवक सुधीर वर्मा को सुबह बेहोशी की हालत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक युवक के पिता प्रेमचंद वर्मा का आरोप है कि गांव के ही युवक विशाल ने एक दिन पहले रात में युवक की पिटाई की थी, जिससे युवक के शरीर में अंदरूनी चोटें आई और सुबह उसकी मौत हो गई। जबकि डॉक्टर अनिल का कहना है कि मौत के कारण का पता नहीं चला है, पुलिस को जानकारी दे दी गई है, पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारण का पता चल सकेगा। लड़के का नाम क्या है आपके? कुमार। कितनी उम्र है? तो क्या हुआ उसके साथ? किसके साथ मारपीट हुई? विशाल कौन है, कहाँ के हैं? पिताजी का नाम बताइए, गांव बताइए। कल कितने समय हुआ था ये झगड़ा? 4-5 बजे शाम को। उसके बाद अस्पताल लेके कब आए लड़के को आप? आज। तो क्या तकलीफ हो गई थी? रायबरेली में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। कई गाड़ियों में आग लग रही है तो कहीं टायर फट रहे हैं। रायबरेली में भी टायर फटने से एक रिफाइन लगा ट्रक पलट गया। दरअसल घटना हरचंदपुर थाना क्षेत्र के गंगागंज की है, जहां पर रिफाइंड से लदा ट्रक टायर फटने से पलट गया। इसमें रखा लाखों रुपए का रिफाइन खराब हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से ट्रक में फंसे ड्राइवर और क्लीनर को बाहर निकाला गया। ड्राइवर अजीत तिवारी ने बताया कि ट्रक लखनऊ से इलाहाबाद रिफाइन लेकर जा रहा था, गर्मी के चलते टायर फट गया और यह घटना हो गई। खबर देवरिया से, जहां 1 जून को लोकसभा चुनाव का मतदान होना है, जिसको लेकर 3 जगह से पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं, जिसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने काफी तैयारी कर रखी है। वहीं जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 23,85,000 है, तो वहीं पुरुष मतदाता 12,50,000 और महिला मतदाता 13,40,000 अपने मतों का इस्तेमाल करेंगे। जिले में कुल मतदान केंद्र 1575 बनाए गए हैं, तो वहीं 2514 बूथ बनाए गए हैं। देवरिया जनपद में कुल 7 विधानसभाएं, जिसको लेकर हर बूथों पर तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 4 के अंतर्गत ये 7वें फेज का चरण हम लोग करा रहे हैं, जिसमें पोलिंग पार्टीज आज रवाना हो रही हैं। प्रत्येक पोलिंग पार्टी के साथ और जितने भी हमारे 2500 के लगभग हमारे यहाँ पर टोटल मतदान बूथ हैं, उन सभी बूथों पर पर्याप्त बल पुलिस बल लगाया गया है। कमीशन की और हेडक्वार्टर की गाइडलाइंस है, उनके अकॉर्डिंग जो अर्धसैनिक बल है उनका भी डिप्लॉयमेंट पूरे जिले में किया गया है। इसके अलावा हमारे यहाँ बिहार बॉर्डर है, बिहार बॉर्डर के जो वाराणसी लोकसभा सीट पर 1 जून को मतदान होना है, जिसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई, सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए मतदान कर्मियों को राहत देने के लिए जर्मन हैंगर से बनाए गए पंडाल बनाए गए, जिसमें बैठकर मतदान कर्मी मतदान संबंधित अपने अपने कार्य को कर सकेंगे। जबरदस्त गर्मी को देखते हुए सभी मतदान कर्मियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर भी चुनाव आयोग की गाइडलाइन और जिला प्रशासन ने जगह जगह पानी, शरबत, गुड़ की व्यवस्था करवाई है, जिसे मतदान कर्मियों द्वारा उपयोग किया जा रहा है। और मैं यहाँ का नोडल हूँ, जो की पुलिस लाइन में है। यहाँ से 2 विधानसभाओं की पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही है, वाराणसी उत्तरी और वाराणसी दक्षिणी। वाराणसी उत्तरी से हमारी 56 हो चुकी है, जबकि वाराणसी दक्षिणी से 28 हो चुकी है। यह अभी 10 मिनट पहले की रिपोर्ट है, अभी मैं इनको लगातार मैं अपडेट कर रहा हूँ कि कितनी पोलिंग पार्टियां हमारी रवाना हो गई। जब फिर पोलिंग पार्टियां हो जाएंगी तो सेक्टर वाइज यहाँ से रवाना होना चालू होगी, बसें मूव करना चाहिए। सर, गर्मी को देखते हो किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, हम लोगों ने जो उनके पास जो हमने किट दिया है, उसमें एक मेडिकल किट भी है, इसमें जिसमें हमने ORS की। पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने दुकान में फेंके ईंट पत्थर फेंकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ थाने में तहरीर दी। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दुकान में नुकसान पहुंचाने के इरादे से फेंके गए पत्थर आरोपियों ने सरफा की दुकान के बाहर लगे CCTV कैमरे भी तोड़ दिए। नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला लकड़ा का ही पूरा मामला बताया जा रहा है। हरदोई के पाली थाना क्षेत्र में 12वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या के बाद कस्बे में तनाव की स्थिति है। युवकों ने जुलूस निकाला और पत्थर फेंके, जिसमें गाड़ी भी टूटी। युवा आरोपितों की ही गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। तनाव को देखते हुए SDM CO भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। SP ने बताया कि एक लड़की से बात करने को लेकर विवाद में समझौता हुआ था, फिर इस तरह की घटना हुई। किसी भी तरह से हंगामा बवाल न होने दिया जाएगा और सख्ती से पुलिस निपटेगी। बिजनौर एयर थाने में तैनात चालक राकेश कुमार शर्मा की ब्रेन हैमरेज से मौत हो गई। बीती देर रात अचानक स्वास्थ्य बिगड़ने पर निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। स्वामी विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद के डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। राकेश कुमार शर्मा की मौत से पुलिस महकमे में शोक की लहर है। दिनांक 30/5/2024 की शाम लगभग 6 बजे
युवराज सिंह उर्फ यूवी सन ऑफ संजय सिंह निवासी इस्माइलपुर की हत्या गोली मारकर कुछ लोगों द्वारा कर दी गई थी, जिसके संबंध में FIR 3 लोगों के खिलाफ दर्ज है उनके चाचा की तरफ से, और इसमें पुलिस गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। मृतक के शव का पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और पुलिस द्वारा लगातार टीमें काम कर रही हैं अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी करके आवश्यक विधि। हेमवती नंदन गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के BGR परिसर पौड़ी में चल रहे सड़क डामरीकरण के मामले में छात्रों के दो पक्ष आमने सामने आ गए, जिससे कि मामला गरमाने से दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। जहां एक पक्ष पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अंकित नौटियाल ने BGR परिसर में सड़क डामरीकरण की घटिया गुणवत्ता की जांच की मांग पर दूसरे पक्ष पर मारपीट करने का आरोप लगाया, तो वहीं वर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष ऋत्विक असवाल ने सड़क डामरीकरण कार्य में बाधा डालने का दूसरा पक्ष पर आरोप लगा दिया। मामले में दोनों पक्षों ने कोतवाली पौड़ी CO सदर को ज्ञापन सौंपा है। CO सदर अनुज कुमार ने बताया कि मामला दो छात्र गुटों से संबंधित है, मामले में जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो BGR परिसर में आज एक प्रकरण प्रकाश में है, जिसमें दो छात्रों के गुटों के बीच आपसी मारपीट का और गरिंग लॉज का एक प्रकरण सामने आया है, जिसमें जो है कुछ सड़क को लेकर कोई विवाद हुआ है उनका आपसी, तो उस संबंध में दोनों पक्षों द्वारा जो है हमारे कार्यालय में आकर भी और थाने में भी तहरीर दी गई है, जिसमें नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। जी सर, हमने तो बातचीत करने के लिए बोला था, पर बातचीत में धक्का मुक्की हुई इनके आपस में और इसी के बाद इन्होंने मेरा भी नाम दे दिया, मतलब कि इसने भी मेरे साथ धक्का मुक्की की। तो सर, अगर ऐसा ही है तो आप कॉलेज जाके दोनों के रिकॉर्ड देख सकते हैं कि बदनाम कौन है कॉलेज में। आप उसका उनका भी रिकॉर्ड देखिए पिछले साल का, किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, किसी भी लड़की से पूछ लीजिए कि लड़कियाँ तो इतने तक परेशान है कि लड़कियाँ हमें तक बोलते कि भैया ये प्रॉब्लम हो रही है, तो हम भी बोलते हैं चलो क्यों किसी के साथ बिगाड़नी है ये सब, पर वो तो समझते ही नहीं है। आज भी उन्होंने बेमतलब मेरा नाम जोड़ रखा है, जबकि मैंने उनको हाथ तक नहीं लगाया, हम तो वार्तालाप करने गए थे। एम्स रोड स्थित आवास विकास के बगल में बंद पड़ी स्टारिया फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची, आग बुझाने की कोशिश करती रही, काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। आपको बता दें कि अंदर घास फूस फेंका हुआ था जो सूख गई थी, इसकी वजह से आग फैल गई, तेज हवा भी चल रही थी। ये फैक्ट्री सालों से बंद पड़ी है, कोर्ट की भी सील लगी है, इसलिए अंदर जाकर इस तरह से आग बुझाना कहीं ना कहीं एक सवाल बना हुआ था, लेकिन फैक्ट्री के आसपास की रिहायशी कॉलोनी तक ही आग पहुंच गई। इसी वजह से आग पाने की कोशिश की और चार गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया है, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। तो हम लोगों का प्रयास यही है कि पहले हम आवासीय क्षेत्र की तरफ से कंट्रोल करें, तो हम अपने दो टेंडर हमने जो है यहाँ पे लगा रखे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसको हम कंट्रोल करके जो है इसको पूर्ण रूप से बुझा दे। पहाड़ों पे लगातार जंगलों में आग लगने का जो मामला चल रहा था, अभी यहाँ ऋषिकेश में तेज हवाओं के चलते इधर एक बंद फैक्ट्री पड़ी है, जो इस टाइम उसमें पूरा जंगल बना हुआ था, झाड़ थी, उसमें आग लगने से पूरा क्षेत्र रिहायशी इलाकों में उस आग के पहुंचने का डर फैल गया है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि ये पूरे क्षेत्र में ये एक बंद फैक्ट्री है जिसमें लगातार आग लग रही है पिछले दो घंटे से, और फायर ब्रिगेड लगातार अपनी उसे बुझाने में लगी हुई है, लेकिन जो आग है वो बढ़ रही है क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है, उस वजह से यहाँ पे आग का जो है फैलना लगातार जारी है। लेकिन इस आग को अगर देखें तो रिहायशी क्षेत्र में पहुंचने की वजह से जो ये क्षेत्र है आवास विकास, यहाँ पर लगातार लोगों को डर बना है कि वो आग कहीं उनके घर तक ना पहुंच जाए। ऐसी स्थिति में जो फायर ब्रिगेड वालों की जो मेहनत है वो देखते हैं कितनी रंग लाती है। ऋषिकेश से संजय शर्मा, न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन C2 की स्थापना और किसान दिवस के मौके पर मुख्यालय पौड़ी में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों की समस्याओं और C2 के क्रियाकल्पों पर भी चर्चा की गई। आयोजित किसान सभा में C2 के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह रावत, महामंत्री देवानंद नौटियाल, कोषाध्यक्ष टीका प्रसाद पोखरियाल ने कहा कि देश का अन्नदाता किसान गरीबी और कर्ज के बोझ तले आत्महत्या कर रहा है, सरकारी ग्रामीणों के हक हकूक छीनने का काम कर रही है। इस मौके पर उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के महासचिव नरेश चंद नौरियाल ने कहा कि 30 मई 1930 को तिलाड़ी कांड हुआ था, इस दिन तिलाड़ी मैदान में अपने हक हकूकों को लेकर पंचायत कर रहे सैकड़ों ग्रामीणों को तेजी सियासत के अधिकारी ने गोलियों से भून डाला। बताया कि तिलाड़ी कांड को रवाई ढंक और गढ़वाल का जलियांवाला बाग कांड के नाम से भी जाना जाता है। इस मौके पर C2 के बैनर तले मौजूदा विभिन्न संगठनों ट्रेड यूनियंस तिलाड़ी कांड के मारे गए शहीदों को भी याद किया गया। उस कांड में शहीद अपने नायकों को याद करने के लिए भी हम लोग आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। ये वो घटना थी जब टेहरी में राजशाही थी, तो राजशाही द्वारा
वनों पर जो है पूरी तरीके से नियंत्रण कस दिया गया था और नागरिकों को जो है वनाधिकारों से वंचित कर दिया गया था और ये पूरा षड्यंत्र जो है उसको जबरदस्त करों के दायरे में लाने के लिए जो है वहाँ पर किया गया था और जिससे आक्रोशित होकर के जनता द्वारा एक आंदोलन किया गया था और आंदोलनकारियों को वार्ता के बहाने तिलाड़ी में जो है बुलाया। इंडिया गठबंधन के चंदौली प्रत्याशी वाराणसी के पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर धरने पर बैठे, जहां एक तरफ चुनावी प्रचार जो है वो थम चुका है तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मंत्री इंडिया गठबंधन से चंदौली प्रत्याशी के धरने पर बैठने की खबर सामने आ रही है। दरअसल चंदौली प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहां मौजूदा सपा कार्यकर्ताओं ने बताया कि उनका कसूर सिर्फ इतना है कि उसने अपने नेताजी के समर्थन में मंदिर में जाकर नारियल चढ़ाया। बस फिर क्या था, उसे कल रात ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद अपने कार्यकर्ताओं को छुड़ाने के लिए खुद वीरेंद्र सिंह पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए, अपने कार्यकर्ताओं को छुड़ाने की मांग करने लगे। हमारे कार्यकर्ताओं को थाने पर बिना कारण जो है हमारे समर्थकों को बैठाया जा रहा है, पूछने पर कोई कारण भी नहीं बताया जा रहा है। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दबाव में स्थानीय पुलिस जो है काम कर रही है एक भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में, और मुझे अपने समर्थकों के पक्ष में यहाँ जो है धरना देने पर मजबूर होना पड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है और यह हमारे समय को खराब करने की जो है साजिश की जा रही है और हम अपने कार्यकर्ता। कानपुर में राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के लोगों ने किदवई नगर थाने में दिव्यांग राजेश कुमार शुक्ला उनकी पत्नी के विरुद्ध फर्जी मुकदमा दर्ज करवाने के खिलाफ कानपुर के किदवई नगर थाने में प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन के दौरान दिव्यांग पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार मुर्दाबाद के नारे लगाए और फर्जी मुकदमा खत्म करो, दिव्यांग राजेश कुमार शुक्ला को न्याय दो के नारे लगाए। तभी थाना प्रभारी बहादुर सिंह ने मामले में न्याय करने का भरोसा दिया। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने कहा कि पुलिस ने बिना तथ्यों की जांच के कार्रवाई की है। पुलिस बिल्डर और सरदार गुरदीप सिंह के धनबल बाहुबल के प्रभाव में आकर दिव्यांग राजेश कुमार शुक्ला उनकी पत्नी रोली शुक्ला पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं। आज दिव्यांग राजेश कुमार शुक्ला का उत्पीड़न हो रहा था और फरवरी 2024 से बराबर वो प्रत्यावेदन थाने से लेके उच्च स्तर पर दे रहे थे, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो रही थी और उल्टे क्योंकि वो पीड़ित है तो उन्हीं के खिलाफ यहाँ पर एक FIR दर्ज हो गई है, जिसके संबंध में आज थाना प्रभारी महोदय से बात हुई है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि जस्टिस होगा, न्याय होगा, अन्याय किसी के साथ नहीं होगा और हम भी यही चाहते हैं कि न्याय हो। फरुखाबाद में करियोगी माँ ने नवजात बच्चे को कुएं में फेंक दिया। कुएं से बच्चे की रोने की आवाज सुनकर ग्रामीण कुएं के पास पहुंचे। कुएं से बच्चे की आवाज सुनकर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। ग्रामीणों ने कुएं में घुसकर बच्चे को सकुशल निकाला। 10 फीट गहरे कुएं से बच्चे को ग्रामीण रस्से के सहारे तोरियों में रखकर निकाला। ग्रामीणों के बाहर निकलने पर बेटी निकली। बेटी पैदा होने पर करियोगी माँ के कुएं में फेंकने की ग्रामीण आशंका जता रहे हैं। ग्रामीणों की मदद से बच्चे को जिला अस्पताल लोहिया भेजा गया। कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र के मॉडल शंकरपुर गाँव का एक बुरा मामला है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी BVRC पुरुषोत्तम ने बताया कि 4 जून को प्रदेश भर में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग की जाएगी जबकि सुबह 8:30 बजे से EVM की काउंटिंग शुरू होगी। उन्होंने बताया कि मतगणना स्थल की 3-लेयर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा राज्य की 70 विधानसभाओं की काउंटिंग के लिए 91 काउंटिंग हॉल बनाए गए हैं जबकि 884 टेबल लगाई गई हैं। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग की कोशिश है कि दोपहर 1 से 2 बजे तक परिणाम घोषित कर दिए जाए। उत्तराखंड में और पूरा भारत देश में 4 जून को मतगणना होगी। सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होगी। उत्तराखंड में क्योंकि पोस्टल बैलेट ज्यादा है सो 8 बजे पोस्टल बैलेट से शुरू होगी। तत्पश्चात 8:30 बजे से EVM की काउंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की काउंटिंग शुरू होगी। हमारे पास लगभग 1,00,000 पोस्टल बैलेट वोट्स है। उसके बाद EVM का जैसा आपको पता है कि ऑलमोस्ट 58% पोलिंग हुआ है। सो सारी हमारी जो पोलिंग पर्सनल की नियुक्ति हो गया है, काउंटिंग पर्सनल की नियुक्ति हो गया है। प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत सहायक अध्यापक के लगभग 3,600 रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की जाएगी। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को जनपदवार विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। बेसिक शिक्षकों की नई भर्ती में ऐसे DLED और DED योग्याधारी अभ्यर्थियों को आवेदन करने में छूट प्रदान की गई है। प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि उत्तराखंड की धामी सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम लगातार किया जा रहा है। ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो वादा उत्तराखंड के युवाओं से किया था, उत्तराखंड के लोगों से किया था, उसको हम पूरा कर रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा कि जो इंटीरियर इलाके हैं वहाँ पर हॉस्पिटल्स में डॉक्टर भेजने का काम, नर्सिंग जो बैकलॉग था
नर्सेज भेजने का काम, उनका अपॉइंटमेंट करने का काम हमारी सरकार ने किया। इसी प्रकार से शिक्षा विभाग में जहाँ जहाँ पर रिक्त पद थे उनको भी भरने का काम को लेकर के जो है भर्तियाँ शीघ्र ही खोली जा रही हैं, और निश्चित रूप से उत्तराखंड के तमाम जो युवा हैं जो काफ़ी समय से आशावंत थे। चारधाम यात्रा में आ रहे श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य विभाग लगातार स्क्रीनिंग कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने चारधाम यात्रा में आ रहे श्रद्धालुओं से स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस का अनुपालन करने की अपील की। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि विभाग की ओर से अब तक 2,08,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, जबकि चारधाम यात्रा मार्गो पर 12 स्क्रीनिंग सेंटर बनाए गए हैं। इसके अलावा 180 चिकित्सकों की तैनाती चारधाम यात्रा पर की जा चुकी है। हमारी जो फोकस है वो पहले से यात्रा शुरू होने से पहले ही स्क्रीनिंग पे रही है, और इस बार हमने नियम बनाया था स्वास्थ्य विभाग की ओर से कि जो 50 से ऊपर जो यात्री हैं उनका हम कंपलसरी स्क्रीनिंग करेंगे, और जो 50 से नीचे जो यात्री हैं उनको अगर कोई स्पेशल नीड है, उनकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है, तो उनको हम वॉलंटरी बेसिस पे हम लोग स्क्रीनिंग करेंगे। 50 से ऊपर यात्रियों का लगभग 87,000 से ज्यादा यात्रियों की हमने स्क्रीनिंग कर दी है, और लेस देन 50 1,27,000 यात्रियों की हमने अभी स्क्रीनिंग की है। पुरौला मोरी मोटर मार्ग देरिका में 1 किलोमीटर आगे आंधी तूफान होने से एक कार के ऊपर चीड़ के पेड़ गिरने के कारण कार में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुरौला भेजा गया है। बता दें कि कुल 2 व्यक्ति ही सवार थे। बढ़ती गर्मी से बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग घरों से निकलने में परहेज कर रहे हैं, व्यापारियों की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं एसी कूलर पंखे रेफ्रिजरेटर की बढ़ती खपत को लेकर व्यापार में बढ़ोतरी देखी जा रही है। बढ़ती गर्मी की वजह से न केवल आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है बल्कि व्यापारी वर्ग को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाजारों में सन्नाटा है क्योंकि लोग अत्यधिक गर्मी की वजह से घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्र के बाजारों में पूरी तरह से सन्नाटा है। सब्जी मंडी में भी ग्राहक नहीं दिखाई दे रहे, ऐसे में दुकानदार चिंतित हैं, उनके व्यवसाय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। गर्मी के इस प्रकोप से निपटने के लिए लोग अधिकतर समय घर के अंदर रहना पसंद कर रहे हैं, जरूरी सामान की खरीदारी भी सीमित कर रहे हैं। व्यापारी वर्ग को उम्मीद है कि तापमान में जल्दी गिरावट आएगी ताकि बाजार फिर से चहल पहल लौट सके। अपेक्षा इस साल बिक्री बहुत ज़्यादा बढ़ गई है गर्मी के कारण, गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगर आप टेम्परेचर की बात करें तो पिछले साल की बात करें तो 39-40 से ऊपर टेम्परेचर नहीं गया, और इस बार 44-45 तक पहुँच रहा है। तो गर्मी से राहत पाने के लिए लोग फ्रिज कूलर की एसी की तरफ भाग रहे हैं, और कंपनियों के पास भी मतलब फ्रीज और कूलर सब ख़त्म हो चुके हैं, इतनी सेल इस बार है। सर दोपहर में तो यह है कि दोपहर में तो थोड़ा सा हल्का ही रहता है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, लोग घर से बाहर नहीं निकलते, पर यह है कि शाम के टाइम जैसे 4 बजे के बाद तो कस्टमर की लाइन लग जाती है शॉप पर। कूलर शारदा में यात्रा में रजिस्ट्रेशन व्यवस्था का ट्रैवल कारोबारी लगातार विरोध कर रहे हैं। आज हरिद्वार में ट्रैवल कारोबारी के कई संगठनों ने सांकेतिक रूप से अपने कार्यालय को बंद रखा और सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए हवन यज्ञ का विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित ट्रैवल कारोबारी का कहना है कि सरकार की अव्यवस्था की वजह से न सिर्फ दूर दूर से श्रद्धालु जो हरिद्वार पहुंच रहे हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि टूर एंड ट्रैवल कारोबार को भी काफी घाटा हो रहा है। जून महीने में स्कूलों की छुट्टी हो जाने पर और ज्यादा भीड़ चारधाम के लिए पहुंचेगी, इसलिए सरकार को स्टेशन व्यवस्था खत्म कर निर्बोध रूप से चारधाम यात्रा चलानी चाहिए। देखिए आज जितने भी ट्रैवल व्यवसायी हैं, पर्यटन व्यवसायी हैं हरिद्वार में, जितनी संस्थाएं हैं यहाँ ट्रैवल से जुड़ी हुई, गाड़ियों से जुड़ी हुई, ट्रैवल एसोसिएशन से जुड़ी हुई, टूर ऑपरेटर एसोसिएशन उत्तराखंड से जुड़ी हुई, सब ने यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं और एक बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया गया है सरकार के लिए। जो रजिस्ट्रेशन की समस्याएँ आ रही हैं जिससे रजिस्ट्रेशन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, यात्रियों का भी उत्पीड़न हो रहा है। यात्री प्लानिंग करके आते हैं, आने की टिकट है, जाने की टिकट लेकर आते हैं, परंतु यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की जो उलझने हैं उनके व्यवस्था के अधीन में उनको यहाँ कई कई दिन रुकना पड़ रहा है जिससे कि यात्रा प्रभावित हो रही है। सितारगंज में चिलचिलाती तपती धूप से राहत पानी और इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए समाज सेवी द्वारा छबिल लगाकर मीठा शरबत पिलाया गया, जिसमें राहगीरों द्वारा मीठा शरबत पीकर भगवान से गर्मी से राहत देने की प्रार्थना की। आपको बता दें कि नगर के बिजटी चौराहे पर सिख समुदाय और सामाजिक लोगों ने छबिल लगाकर भीषण गर्मी के बीच मार्ग गुजरने वाले राहगीरों को मीठा शरबत पिलाया। इस दौरान कई लोग मौजूद रहे। यहाँ आस पास के समुदाय के लोगों ने मिलकर यहाँ पे पानी के शरबत बांटा जा रहा है, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को बहुत ही राहत की सांस मिली है। इसकी वजह से अब आप देख रहे हैं आपके सामने चौराया पूरा घेर रखा है, आस पास इसमें मिलकर सहयोग किया है, बहुत हाई है। हमारी ओर से यही अपील की जा रही है कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा जगह जगह लंगर लगाए जाए जल के, जिसके वजह से आने जाने वाले लोगों को राहत मिल सके। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।